देखिए, भारत जोड़ो न्याय यात्रा को लेकर राहुल गांधी एक बार फिर सड़कों पर हैं, और आज जब झारखंड में वो मीडिया से बात कर रहे थे तो उनका तेवर बिल्कुल ही अलग नज़र आ रहा था। भारत जोड़ो यात्रा के दौरान राहुल गांधी की कई तस्वीरें देखी गई, कई अंदाज जो राहुल गांधी के हैं वो देखे गए। कभी किसान बनते राहुल गांधी तो कभी मोटर मैकेनिक। बहरहाल, झारखंड में इन दिनों जो न्याय यात्रा राहुल गांधी की चल रही है उसमें बड़ा जो जन सैलाब है वो देखा जा रहा है। लेकिन आज राहुल गांधी का एक नया अंदाज कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी के लिए एक बड़ी परेशानी बन सकता है। बता दें आपको कि गले में गमछा और आक्रामक तेवर के साथ जो जन सैलाब राहुल गांधी के साथ दिख रहा है वो भारतीय जनता पार्टी को कई मुद्दों पर बैकफुट पर ढकेल सकता है। झारखंड में न्याय यात्रा के दौरान राहुल गांधी का ये आक्रामक रूप इशारा कर रहा है कि जैसे जैसे राहुल गांधी आगे बढ़ रहे हैं भाजपा के साथ खेला होता नज़र आ रहा है। पहले झारखंड में भाजपा की तमाम जुगत को परास्त कर जो सरकार बची और फिर आदिवासियों और पिछड़ों को ये समझा देना कि उनके साथ भाजपा का अन्याय बड़े स्तर पर हो रहा है, जिससे सिर्फ राहुल गांधी नहीं बल्कि पूरी न्याय व्यवस्था खत्म हो रही है। ये साफ हो गया है कि झारखंड तो बस झांकी है, असल खेला बिहार में होना बाकी है। बात अगर की जाए तो राहुल गांधी ने झारखंड में जातिगत जनगणना पर भाजपा को घेर दिया है। मोदी खेमे के पास अब शायद विकल्प नहीं बचा। प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने ये स्पष्ट किया है कि जब केंद्र में कांग्रेस की सरकार बनेगी तो पूरे देश भर में जाति आधारित जो गणना है वो कराया जाएगा, और इसके साथ ही आरक्षण का जो दायरा है उसे भी बढ़ाया जाएगा। राहुल गांधी ने पत्रकारों से बात करते हुए ये स्पष्ट कर दिया है कि जब हमारी सरकार बनेगी तो जाति आधारित गणना के बाद जो भी तबके पीछे छूट गए हैं उनके लिए हम काम करेंगे। और इसके साथ ही उन्होंने कहा कि आदिवासियों की जो आरक्षण है उसे पहले हम सिक्योर करेंगे, और इसके साथ ही जो लोग पीछे छूट गए हैं उनके आरक्षण का दायरा बढ़ाया जाएगा। राहुल गांधी कहते नज़र आए कि जो आरक्षण इस वक्त 50% का है उसे भी बढ़ाया जाएगा, और जो लोग आरक्षण से अब तक पीछे हैं अछूते हैं उन्हें इसका लाभ मिलेगा। सुनिए भारत जोड़ो यात्रा के दौरान राहुल गांधी ने जो जाति आधारित गणना है उसको लेकर क्या कुछ कहा है। वो तो हमने क्लियरली बोला है, जाति जनगणना हम लागू कर देंगे। कल तेलंगाना के चीफ मिनिस्टर आए, उन्होंने मुझे कहा कि तेलंगाना में काम शुरू है, जहां भी हमारी सरकार है हम जाति जनगणना कर रहे हैं। 50% का जो कैप लगाया है, आर्टिफिशियल कैप लगाया है, अनफेयर है, तो हम हटा देंगे। रिजर्वेशन का जो 50% का कैप है उसको खत्म कर देंगे, और आदिवासी जो हैं और दलित जो हैं उनके रिजर्वेशन को प्रोटेक्ट करके हम पिछड़े वर्ग के लोगों को रिजर्वेशन देंगे। और आखिरी बात सुनिए, जो इसमें दो चीजें हैं, और एक है कि जनरल कास्ट के भी गरीब लोग हैं, ठीक है, तो उनको भी नहीं छोड़ना है। और सबसे जरूरी बात कि एंड मोस्ट ऑफ द अदर मेंबर्स हु आर पार्ट ऑफ द इंडिया अलायंस आर स्टिल मेंबर्स ऑफ द इंडिया अलायंस। ऑफ कोर्स मिस्टर नीतीश कुमार हैज लेफ्ट द इंडियन अलायंस, इंडिया अलायंस, एंड ही इज गॉन टू द बीजेपी। यू कैन गेस एज टू व्हाट द रीजंस आर फॉर हिम लीविंग। That's fine. We'll fight in Bihar as the India Alliance. So I don't agree that lots of our partners are not, you know, part of the alliance. Panorama Group, जो सोचता है वो करता है। ये लो मुंह मीठा करो, आज मैंने अपना जॉब छोड़ दिया, अब हम पूर्णिया वापस जाएंगे। जॉब छोड़ दिया है मतलब? ये घर कैसे चलेगा, हम करेंगे क्या, और माँ बाबू जी क्या बोलेंगे? इसलिए मैं एक और मिठाई का डब्बा लाया, अपने बिजनेस के लिए लोन अप्रूव हो गया। अरे लोन अप्रूव हो गया वो तो ठीक है, लेकिन पूर्णिया में हम रहेंगे कहाँ, अपना घर भी तो नहीं है वहाँ। इसलिए तो एक और मिठाई का डब्बा अलग से लाया हूँ, हमने पूर्णिया में घर ले लिया, पूर्णिया के ई होम्स पैनोरमा में। पूर्णिया में पैनोरमा ग्रुप लेकर आए हैं ई होम्स पैनोरमा, बड़ा घर, आलीशान जिंदगी और अत्याधुनिक सुविधाओं के संग। अरे अरे, अब क्यों मुंह मीठा करवा रही हो? क्योंकि हम घर वापसी जो कर रहे हैं। घर वापसी की खुशी पूर्णिया में ई होम्स पैनोरमा के संग। ई होम्स पैनोरमा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड।